आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरह से इस्लामिक देश बन जाएगा। ये सुनकर आप भले ही चौंक रहे होंगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी रिपोर्ट है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने इस्लाम को लेकर एक बड़ी और व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की आबादी 16% हो जाती है, वो देश अगले 100 से 150 वर्षों में पूरी तरह से इस्लामिक बन जाता है। विश्व के सभी देशों की स्टडी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। Tehát Bülé volt az, aki egy ilyen matematikai képletet rávetített erre a történelmi folyamatra, és azt nézte meg, hogy hogyan történik meg ezeknek a társadalmaknak a szaturációja, vagyis a telítettsége a muszlimok és az iszlám ideológiája által. És ő ugye arra a következtetésre jutott, hogy ez egy több száz éves folyamat, bizonyos országok esetében akár 3-400 év is lehet. 2011-ki jengarna ke anusar, Bharat mein muslim awadi 14.2% thi, जबकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक नई जनगणना में मुस्लिम 16% की संख्या को पार कर गए होंगे। ऐसे में हार्वर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या सिर्फ बढ़ेगी और बाकी धर्म के लोग घटेंगे। Pont, ez körülbelül 16%-a a társadalomnak, amikor muszlimmá válik, amikor maga az iszlamizáció folyamata már visszafordíthatatlan. Ez pedig átlagosan olyan 100-150 év környékén érkezett el. Dharasal Islam ko lekar ek vyapak research Dr. Peter Hammond ki kitab Slavery, Terrorism and Islam mein ki gayi hai. Iske mutabik, agar kisi desh mein musalmanon ki abadi 2% rehti hai, तो वहाँ उन्हें शांतिप्रिय अल्पसंख्यक के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली और नॉर्वे में ये देखा जा सकता है, जहाँ मुस्लिमों की संख्या 2% से कम है। लेकिन जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी 2 से 5% तक पहुँचती है, वहाँ ये अपने रीति रिवाज थोपने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, थाईलैंड जैसे देशों में ये देखने को मिल रहा है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 2 से 5% के बीच है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन यहाँ का कट्टरपंथी उपदेशक अंजम चौधरी मुस्लिम युवाओं के साथ बकिंगम पैलेस को एक मस्जिद में बदलने की मांग कर रहा है। And that disillusionment has become really apparent here in Britain, where angry young Muslims say they want to turn Buckingham Palace into a mosque. This man, Amjam Chowdhury, is their leader. He demands Islamic law, known as Sharia, to be the law of the land. मुसलमानों की आबादी जैसे ही 5% से अधिक होती है, तो फिर ये मुस्लिम इस्लामिक मानकों को थोपने की कोशिश करते हैं, बाजार और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, समुदायों के भीतर शरिया कानून को अनुमति देने के लिए दबाव डालना शुरू कर देते हैं। फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स जैसे देशों में ये हो रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि स्वीडन में मुस्लिम सिर्फ 8% हैं, लेकिन यहाँ दंगा फसाद शुरू कर दिया गया है। कुछ वर्ष पूर्व का ही ये वीडियो देख लीजिए। Smashed windows, cars on fire. One of Europe's most peaceful capitals, Stockholm, now witnessing its worst outbreak of violence in years. Hundreds of youths, mostly immigrants, have ripped through the city's suburbs in 4 nights of unrest. Research के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी की 10% या उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर वहाँ अराजकता और तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। इस श्रेणी में भारत, इजराइल, रूस, केन्या और गुयाना जैसे देश आते हैं, जहां मुसलमानों की संख्या 10 से 20% के बीच है। मुसलमानों की आबादी जैसे ही 20% से अधिक होती है, तो फिर मुसलमानों द्वारा इस तरह की हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले और आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक ऐसा ही 32.8% मुस्लिम आबादी वाले इथियोपिया में इन दिनों हो रहा है। 40% की आबादी होते ही उन देशों में बड़े नरसंहार, आतंकी हमले बढ़ जाते हैं। 40% की आबादी वाले बोस्निया और 59% आबादी वाले लेबनान में यही देखने को मिल रहा है। जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी का आंकड़ा 60% को छूने लगता है, वहां जातीय नरसंहार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शरिया कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है।
अल्बानिया, मलेशिया, कतर और सूडान में ऐसा ही हो रहा है, जहां मुसलमानों की आबादी 60 से 70 फीसदी के बीच है। जिस देश में मुसलमानों की आबादी 80% या अधिक हो जाती है, तो एक प्रकार से वहां मुसलमान पूरी तरह से अराजक हो जाता है। ऐसे देशों में हिंसा रोजाना की बात हो जाती है। बांग्लादेश, मिस्र, गाजा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की और यूएई जैसे देशों में ये दिखाई देता है। किसी देश में जब 100% मुस्लिम आबादी हो जाती है, तो वो देश अमन पसंद दिखाने की कोशिश करता है, जैसा कि अफगानिस्तान, सऊदी अरब, सोमालिया और यमन। इन देशों में 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा फिर भी नहीं हो पाता। जहां ज्यादा कट्टरपंथी कम कट्टरपंथियों को मारने और धमकाने की कोशिश शुरू कर देते हैं और शांति कभी हासिल नहीं होती। अब इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की धार्मिक सहिष्णुता को परखने की जरूरत है।